बांग्लादेश में अभी जो हिंसा बढ़ी है उसके कारण पूरे भारत देश में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अपन बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया में अभी जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक में जो हिंदू समुदाय के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ मारपीट, आगजनी और यहाँ तक हत्या भी कर दिया जा रहा है। और अपन उनके साथ ये भी बोल सकते हैं कि जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके अंडरगारमेंट को भी निकाल कर यह देखा जा रहा है कि वह शख्स हिंदू है कि अन्य समाज से क्यों नहीं है। उनके साथ उनके गुप्तांग को देखकर चेक किया जा रहा है और खुलेआम उन्हें मार दिया जा रहा है। आज हालत ये हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और मजबूर के साथ साथ जो अपन बोल सकते हैं भारत देश के जो अन्य पार्टी है किसी का मुंह नहीं खोल रहा है। मुंह इसलिए नहीं खोल रहा है क्योंकि वहाँ जो अत्याचार कर रहे हैं वह अल्पसंख्यक के रूप में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, कोई अन्य पार्टी आज एक ट्वीट करने के लिए भी पीछे हट रहे हैं क्योंकि वे विशेष समुदाय से आते हैं। इस कारण कोई भी एक जवाब, एक विचार रखने के लिए पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर हम बोल देते हैं तो भारत देश में उनके खिलाफ विरोध हो जाएगा। इसी विरोध को लेकर पूरे भारत देश में जो अन्य पार्टी है कोई कुछ नहीं कर रहे हैं और आखिरकार जो हिंदू संगठन है वह सामने आ रहे हैं। और उनके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ है सोशल मीडिया में कि अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ कोई मारपीट कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम भी भारत देश में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, उन्हें यहाँ से भगाकर ही रहेंगे। उसी बीच में अपन ये भी बोल सकते हैं कि दुर्ग में हिंदू मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद राज नायडू के नेतृत्व में एक आक्रोश रैली निकाला गया है जिसमें हजारों की संख्या में लोग निकले हैं, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुतला दहन किए हैं। और पुतला दहन के साथ साथ उन्होंने एक एकजुट का परिचय दिया है कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो हम सभी एकजुट हैं और हम भी अगर यहाँ कोई बांग्लादेश रहते हैं तो उनके साथ क्या होगा, यह सब देख सकते हैं। अब वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार आक्रोश रैली निकाली गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सिंगर। जब देश का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह से हिंदुओं की लाशें भर भर के आ रही थी। दोनों जगह से पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जो एक उस समय के सेना दल अंग्रेजों ने बनाया था और उस समय की तत्कालीन भारत की सरकार ने जो बनाई थी वो फेल हो रहा था। तो जवाब किसने दिया था? जवाब भारत के हिंदू ने दिया था। और ऐसा जवाब दिया था कि वहां से जो ट्रेन भर भर के लाशें आ रही थी जब यहां से पार्सल वापस गया तो लाशें आनी बंद हो गई। तो भारत में रहने वाले हर एक हिंदू का सीधा संबंध बांग्लादेशी हिंदू से है। अगर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत में कोई घुसपैठिया सुरक्षित रहना चाहिए क्या? घुसपैठिया वैसे भी पिस्तू है, खटमल है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूस रहा है, हमारे संसाधनों को चूस रहा है। ऐसे घुसपैठिए को देश में वैसे भी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की है ना भैया? गेस्ट हमारा भगवान जैसे होता है, लेकिन ये गेस्ट है क्या? नहीं। ये पेस्ट है, पीएसटी। पेस्ट मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा, वो कीड़ा मकोड़ा जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो गेस्ट तो बेस्ट होता है, लेकिन पेस्ट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो जो पेस्ट है इस पेस्ट को भारत में घुसने देंगे क्या? नहीं। भारत के हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करे। अगर बांग्लादेश में हिंदू पे कुछ अटैक होता है, हमला होता है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर रहने वाले बांग्लादेश के समर्थक, जिहादियों के समर्थक, आतंकियों के समर्थक सुरक्षित रह पाएंगे क्या? नहीं। रहना चाहिए क्या? नहीं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम लोग हिंदू युवा मंच के सभी कार्यकर्ता एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। दिलों में हमारे आग लगी है, लेकिन हम उन जैसे जाहिल नहीं है। हम बांग्लादेशी कीड़ों जैसे जाहिल है क्या? नहीं। पिस्तू है क्या? नहीं। जानवर है क्या? नहीं। नहीं।
भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक परंपरा है और वीरों का एक आभूषण है। जो वीरों का आभूषण होता है वो क्षमा होता है, तो क्षमा करने को हम तैयार हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश के जो हिंदू विरोधी तत्व है उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी मांग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्वक एक मार्च करेंगे, उसके पश्चात बांग्लादेशी सरकार का हमने पुतला बनाया है जिसमें बांग्लादेश का झंडा है, उस बांग्लादेश के झंडे युक्त पुतले को पहन करके अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा किसका कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है? भारत हिंदुओं का देश है कि नहीं है? किसका देश है? हिंदुओं का। हिंदुओं का देश है ना? बांग्लादेशी हिंदुओं को समझाने की और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो सुरक्षा की तो दायित्व को हम पूरा करेंगे कि